ये मैंने ली ब्रेकआउट से। सो ये मैंने स्टिच ड्रेस लिया है, इसका बॉर्डर ये है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अब जो है ना, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा कल से, और आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। मैं दुआ करती हूँ कि आप सबका साल, नेक्स्ट ईयर जो है, खुशियों भरा गुजरे, बहुत अच्छा गुजरे, और हमारा भी अच्छा गुजरे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा साल भी अच्छा गुजरे। वेल गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी अच्छा शॉपिंग, जैसे मैं हमेशा शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। मैंने जो शॉपिंग की है वो सिर्फ एक दिन की नहीं है, अलग अलग ब्रांड्स से मैंने शॉपिंग की है। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग हैदराबाद से की है, थोड़ी सी शॉपिंग मैंने कराची से की है। आधी चीजें मैंने सेल में उठाई हैं, आधी चीजें विदाउट सेल हैं, वो मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी चीजें सेल में उठाई हैं और कौन सी चीजें मैंने विदाउट सेल उठाई हैं। तो चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बोनेंजा सतरंगी की शॉपिंग, और इसमें मैंने बहुत ही एक जबरदस्त सूट लिया, ये मैंने सेल में लिया था। ओके, सो ये मैंने स्टिच ड्रेस लिया है, इसकी वैसे एक्चुअल प्राइस है 6,680, और ये मुझे सेल में मिला था तकरीबन कोई 5,000 का। मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ये थ्री पीस है, ये ब्लैक कलर का ड्रेस एंड बॉर्डर ये है। बैक जो है इसका प्लेन है, एंड इसके साथ ये इसका दुपट्टा है, एंड ट्राउजर मैंने सोचा कि वैसे ही हम सिलाइयों के इतने पैसे भरते हैं तो क्यों ना ये स्टिच ही लिया जाए। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैंने बुनेजा सतरंगी से लिया। पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ क्योंकि इनका बैक थोड़ा पुराना है। गाइस, ये मैंने ड्रेस इस वजह से लिया क्योंकि इसका जो गला है ना, बहुत ही खूबसूरत सा दिया हुआ है इन लोगों ने। ये देखें कितनी प्यारी इसकी डिजाइनिंग है, मुझे तभी ये बहुत अच्छा लगा, मैंने इसकी वजह से सिर्फ लिया। एंड मैंने एक ये बॉडी मिस्ट भी लिया बोनेंजा से, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी क्योंकि बहुत लाइट सी इसकी फ्रेग्रेंस थी। अच्छा, वैसे सब करते रहते थे कि इम्तियाज 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 तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाके ट्राई करूं कि वहां पे ऐसा है क्या, मतलब मिलता क्या है। तो मुझे तो खैर इतना कोई खास नहीं लगा, मुझे जो चीजें समझ आई मैं सिर्फ आपको वो शो करा देती हूँ कि जो मैंने लिया वहां से। तो गाइस, मैंने एक ये प्रिंटेड सी कुर्ती ली जिसकी प्राइस थी 1200, एंड दूसरी मैंने कुर्ती ये वाली ली, ये भी मैंने यही इम्तियाज से ली। इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा प्यारा सा लगा था तो मैंने सोचा ले लेते हैं। ये भी मैंने इम्तियाज से ली, ये मुझे मिली थी 1500 की, ये इम्तियाज से ली, और ये छोटी सी पेंसिल मुझे सिर्फ मिली थी कोई 700 रुपीज की। एक आईलाइनर भी है, और अंडर आई हम यूज कर सकते हैं जैसे कहीं किसी पार्टी में जाना हो, शादी में जाना हो। प्यारा सा ड्रेस मैंने लिया खादी से क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी मैंने सेल में लिया था, वैसे है ये 2790 रुपीज का, और मैंने ये सेल में लिया था, 2000 की रेंज में था जब ये मैंने लिया था, इस पे सिर्फ 30% ऑफ था। लीजर क्लब से मैंने जो मंगवाया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था इसका कलर, इस पे कोई भी सेल नहीं चल रही थी। मैंने ऑनलाइन ये मंगवाया था और इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है, हम सर्दियों में पहनेंगे तो हमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। ये इसका ट्राउजर है, ये इसकी शर्ट है, इसकी प्राइस 6,095 रुपीज। मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था ये रेड, क्योंकि रेड ब्लैक ये कलर ही ऐसे होते हैं कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी मैंने एक स्वेट शर्ट ली है जो मैंने कूवर से ली थी, ये मुझे सेल में मिली थी, इसकी प्राइस पे मैं आपको बताती हूँ। मुझे इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा था, ये देखें, वैसे इसकी प्राइस है 2899 रुपीज, और ये मुझे सेल में मिली थी 1500 या 1600 की, इस रेंज तक मुझे ये मिली थी जितना मुझे याद है। एक्सपो स्टोर से लिया ट्रैक सूट है, इसका ट्राउजर ऐसा है और इसकी शर्ट है ये मैंने ली ब्रेकआउट से क्योंकि इसका जो ये लुक है, डिजाइन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था,
और ये मुझे मिली थी 3000 की। इसको वेस्टर्न ड्रेसिंग पे वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर है हमारे खानदान में, लाइक मेरे ससुराल में है शादी, और मुझे ड्रेस चाहिए था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे ड्रेस चाहिए, हमारे पास इतना टाइम उस टाइम नहीं था कि मैं जाके अपने लिए कुछ बाय कर सकूं। मेरी मदर इन लॉ उन्होंने मेरे लिए ये पसंद किया, ये वाला ड्रेस, क्योंकि शादी में पहनने के हिसाब से है ये, और मुझे शादी में ही पहन के जाना है। ड्रेस देखें कितना प्यारा है, इसका बॉर्डर ये है, और ये देखें ये इसका दुपट्टा है, और ये इसका ट्राउजर है। बाटा पे बहुत ही अच्छी सेल चल रही थी, तब मैंने जाके ये बाटा से एक ये हील ली जो बहुत ही प्यारी है। 3000 की ये थी वैसे, और मैंने सेल में उठाई तकरीबन कोई 1500 की। ये है सैंडल, दिखाना भूल गई, ये भी एक बॉडी मिस्ट मैंने लिया था खादी से। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस इसकी भी मुझे बहुत ही बेस्ट लगी थी। मैंने बोनेंजा से ये दो कलर भी लिए नेल पेंट के, एक है डार्क ब्लू शेड और एक है ब्राउन टाइप शेड। एंड मैंने मॉल से बहुत सारी चीजें भी ली, लाइक ज्वेलरी की, एक मैंने ये लिए एयररिंग्स, दूसरे एयररिंग्स मैंने ये वाले लिए, इसके साथ मैंने लिया है ये देखिए कितना प्यारा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने ये बैंगल्स ली, ये देखें कितनी प्यारी हैं। तो गाइस अब बात करते हैं परफ्यूम्स की, जो कि हर किसी को बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद होती हैं। मेरे हस्बैंड ने परफ्यूम्स ली थी, लाइक ये मेंस कलेक्शन है सारी, ये तो मेरी है। अगर जो मर्द हजरात, जो बॉयज, जो लड़के मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस जो है बहुत अच्छी है। ये बॉडी मिस्ट जेडोट का, मुझे इसकी बॉटल बहुत अच्छी लगी थी। एक ली है मेरे हस्बैंड ने ये जेडोट से लिए, ये देखें। दूसरी है ये वाली 1947, जिसकी फ्रेग्रेंस मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बेस्ट है। आई थिंक हम सबको ये वाली फ्रेग्रेंस तो लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेस्ट है। मैं आपको ये भी ओपन करके दिखाती हूँ। सो गाइस इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, ये है 1947 जेडोट की, बहुत ही बेस्ट परफ्यूम है। जो भी मर्द हजरात मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब भी जाके ये लें, बहुत अच्छी है। इसकी लॉन्ग फ्रेग्रेंस है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जेडोट पे काम करती हूँ, पर ऐसा है नहीं। मैंने तो जो भी सारी चीजें ली आप लोगों को इस वीडियो में मैंने दिखा दी कि मैंने कौन कौन सी चीजें बाय की हैं। मेरे हस्बैंड ने एक ये वाला सूट लिया गुलहमत से, और जिसकी प्राइस है 4083 रुपीस। ये वाला सूट है जो है वाइट कलर का। दूसरा सूट जो मेरे हस्बैंड ने लिया, ये लिया, ये बॉस्की का सूट है, ये लिया मेरे हस्बैंड ने जेडोट से। एंड गाइस ये सारा मेस देखें जो मैंने किया है, अब ये सारा मुझे समेटना है और ये सब कुछ मुझे सही करके रखना है। आधा सामान यहाँ पे है रखा हुआ, देखें अब ये सारा मुझे मैस क्लियर करना है। अब आप सब अपना न्यू ईयर एंजॉय करें, और मैं भी चलती हूँ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँगी या नहीं करूँगी ये मुझे नहीं पता, पर यही मेरा छोटा सा व्लॉग था, छोटी सी शॉपिंग थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।